हेलो दोस्तों, आरओएल वेलनेस निर्वाणा में आपका दोबारा स्वागत है। और आज हम एक नई सीरीज़ स्टार्ट करने वाले हैं जिसका नाम है बैक पेन। आज हम बताना चाहेंगे कि अब बैक पेन में हमें कौन कौन से इश्यूज़ होते हैं, इन्हें कैसे ठीक करना चाहिए। एंड फर्स्ट जो वीडियो हम बना रहे हैं वो बना रहे हैं बैक पेन की मसाज के ऊपर। जी हाँ, ये फर्स्ट वीडियो है, ये मसाज स्टेज स्टार्ट हो रही है। और इससे पहले हमने अपनी आज सीरीज़ में हमने तीन सीरीज़ और हमने बना रखी है, जिसमें फर्स्ट है अपनी सर्वाइकल की, सेकंड है अपनी नी पेन की, एंड थर्ड कुछ योगा पोज हैं। उम्मीद है आपने अभी तक देखे होंगे, और जिन्होंने नहीं देखा है मैं उनसे रिक्वेस्ट करता हूँ कि प्लीज़ आप उन्हें देखिए। और अभी तक अगर आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ आप इस चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, क्योंकि हेल्थ से रिलेटेड एंड बॉडी से रिलेटेड हमारी जो भी सीरीज़ है वो इस चैनल पर आती रहती हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले अब मसाज में हम देखेंगे क्या, जैसे देखा जाता है कि जब भी पेशेंट आते हैं तो उनके लोअर बैक पेन में पेन होता है या अपर बैक पेन में पेन होता है, या उनके सिर्फ बीच में एक सर्वाइकल में पेन होता है। तो हम ऐसी कौन कौन सी मसाज थेरेपी जो इन पे दे सकते हैं, कौन कौन से एक्यूप्रेशर पॉइंट हैं, अब हम उन पे बात करेंगे। तो फर्स्ट हम कंधे की तरफ से स्टार्ट करेंगे, बिकॉज़ कंधे की तरफ से हम इसलिए करते हैं कि पेशेंट को अच्छा खासा रिलीफ मिल सके। तो चलिए अब हम स्टार्ट करते हैं। इसके लिए मैंने ये अमेज़ॉन से पेन ऑयल लिया है, जिसका डिस्क्रिप्शन में मैं लिंक शेयर कर दूंगा। अगर आपको परचेज़ करना है तो आप अमेज़ॉन से परचेज़ कर सकते हैं। इसके लिए फर्स्ट आप अपनी गर्दन को बिल्कुल सीधा रखिए कि सारा पेन है वो एक साथ एक ही जगह पे रहे। आपको थोड़ा सा ऑयल लेना है, एंड गर्दन की तरफ से रीढ़ की हड्डी तरफ आपको इस तरह से नीचे की तरफ आपको पुश करना है। आप धीरे धीरे हाथ करते रहिए। थोड़ी देर बाद ये ऑयल पूरी आपकी रीढ़ की हड्डी को ऑब्जर्व कर लेगा। जब इस तरह से आप मसाज करते हैं तो आपको पता चल जाता है कि रीढ़ का ऐसा कौन सा पॉइंट है जो ऊपर की तरफ उठा है, और आपको यही पता चल जाता है कि पेशेंट को कहाँ कहाँ पे ज़्यादा पेन है। आपको धीरे हाथ से मसाज करते रहना है। एंड उसके बाद आपको दोबारा डिप करनी है ऑयल में, और दोनों हाथों से अब ऊपर की तरफ। फर्स्ट आपने नीचे की तरफ किया था, अब आप ऊपर की तरफ करेंगे। ये फर्स्ट हम अपर बैक पेन पे हम ये वीडियो बना रहे हैं, जिसमें अगर आपको इतने ऊपर में पेन अगर होता है तो आप किस तरह से ठीक करेंगे, इस वीडियो हम वो बता रहे हैं कि वीडियो ज़्यादा लंबा ना हो। उसके बाद आपको दोनों हाथों में ऑयल को अच्छी तरह से फिंगर्स पे लगा के आपको गर्दन की तरफ से आपको नीचे की तरफ ये फैलाना है। जब आप गर्दन से नीचे की तरफ लाते हैं तो ये दो थंब को आप गर्दन के बीच में रीढ़ की हड्डी के पास लेके दबाइए, और उसे नीचे की तरफ दबाते हुए ले जाइए। इससे आप खुद देखेंगे जो ब्लड है वो भी आपको नीचे की तरफ जाते हुए दिखेगा। फिर आप थोड़ा लेंगे और कंधे के अपर साइड में आपको हल्के हाथ से प्रेस करते हुए आपको मसाज करनी है।
उसके बाद अपने हाथों को इस तरह से मुट्ठी बना के अंगूठे बाहर निकाल के आपको इस तरफ से आपको धीरे धीरे दबा के आपको नीचे की तरफ ले जाना है। इसे कम से कम आपको 3 या 4 बार करना है धीरे धीरे। उसके फिर से कंधे पे अंगूठे को प्रेशर करते हुए इस पोजीशन में जितना भी डेड ब्लड होता है वो सारा आपका दोबारा वर्क करने लगता है, और जितनी भी डेड स्किन होती है उसे भी रिलीफ मिलता है और वो धीरे धीरे अपनी बॉडी से अलग हो जाती है। अब आपको पूरे हाथ पे तेल लगा के दोनों हाथों को इस तरह रख के, अंगूठे को इस तरह रख के, अब बाहर से आपको प्रेशर देते हुए आगे की तरफ बढ़ना है। अपने थंब को बिल्कुल बीच में रखते हुए आगे ले जाना है और अपनी फिंगर को कंधे के बाहर की तरफ प्रेस करते हुए नीचे ले जाना है। फिर आपको अंगूठे को फिर से रीढ़ की हड्डी की तरफ रख के दबाते हुए आगे निकलना है। और फिर आपको कंधों को ऊपर की तरफ खींचना है। आप देखेंगे कि पूरा जो बैक का अपर साइज है वो रेड हो चुका है सिर्फ मालिश से ही। अपनी सारी फिंगर्स को बाहर की तरफ लाते हुए पूरा खोलना है आपको। थंब को दोनों को इस तरफ रखते हुए फिर से नीचे उसके बाद मुट्ठी बना के आपको इस तरफ रखना है एंड धीरे धीरे आपको नीचे ले जाना है। उसका थोड़ा भार उसका थोड़ा भार फिर थंब को जब आप मसाज देते हैं तो आपको दो चीज़ों का ज़रूर ध्यान रखना चाहिए। फर्स्ट ये होता है क्या, जो भी आपका पेशेंट है वो अगर खाली पेट है तो उसे हल्का फुल्का खाना खाना चाहिए, ज़्यादा नहीं खाना चाहिए। एंड सेकेंड, जिन्हें बीपी की शिकायत है उन्हें कुछ टाइम एसी या ठंडी जगह पे रहना चाहिए जिससे उनका ब्लड प्रेशर नॉर्मल हो जाए। उसके बाद आपको हाथों को कंधों की तरफ रखते हुए आपको ऊपर की तरफ खींचना है। फिर अपनी फिंगर्स को गर्दन की तरफ रखते हुए नीचे ले जाते हुए खोलते रहना है
तो ये था अपर बॉडी बैक पेन, एंड अब हम लोअर बॉडी बैक पेन पे अब हम मसाज करेंगे। उम्मीद है आज की वीडियो आपको अच्छी लगी है। अगर आपने इससे पहले अगर हमारी वीडियो नहीं देखी है तो प्लीज़ मैं आपसे रिक्वेस्ट करता हूँ, इस चैनल पे आप जा सकते हैं, इस चैनल की सारी वीडियो देख सकते हैं जिसमें हमने सर्वाइकल पेन, नी पेन एंड योगा थेरेपी के बारे में बताया। साथ में हमने एक्यूप्रेशर के ऐसे कौन से पॉइंट हैं उनके बारे में भी हमने आपको बताया। और ये वीडियो अगर आपको अच्छी लगी है तो प्लीज़ इसे लाइक कीजिए और उनके साथ ज़रूर शेयर कीजिए जिन्हें इन वीडियो की ज़रूरत है, चाहे वो आपके घर में आपके मॉम डैड हों, फ्रेंड्स हों, भाई हो या आपके रिश्तेदार हों। थैंक यू सो मच।